हेलो भाई, मैं हूँ पीपल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। भाई ये देख रहे हो आप मारुति की एक कूपे स्टाइल में, एक नया भाई लग्जरियस गाड़ी में आता था कूपे डिज़ाइन, लेकिन मारुति ने अपने फ्रोंक्स में दे दिया है। भाई ये जो आपके सामने खड़ा है ना भाई, ये खड़ा है इसका जेटा वेरियंट, और जेटा से आप समझ सकते हो टर्बो। हाँ भाई ये है भाई इसका जेटा ऑटोमेटिक में, और इसके अगर मैं एक्सोम की बात करूँ तो 10,56,000 ऑन रोड ही जा रही है भाई, 12,16,000 रुपये की टाइम सहनपुर में। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ ना, तो इसमें हमें भाई मिलता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन बूस्टर जेट वाला, जो प्रोड्यूस करेगा आपका 98 BHP और 147 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ये तो बात होगी कुछ पावर स्पेसिफिकेशन की। भाई पंजा तो आपको इसमें मिलने वाला है, भाई मिलने वाला है पियानो ब्लैक फिर, इसमें ग्रिल मिलेगी मारुति का बड़ा लोगो। ठीक है, इसका फ्रंट ना थोड़ा ग्रैंड विटारा से इंस्पायर है। ये देखो आपको इस तरह की DRL LED है, हमारे इंडिकेटर का भी काम करेंगी, और हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसमें मिलते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस देखो उसकी 190 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि भाई एक सही है क्योंकि इसको SUV बोलती है मारुति, और भाई ये लगती भी है फ्रंट से। ठीक है, बड़े गजब लगते हैं इसके DRL ब्लिंक होते हैं, ये इंडिकेटर का भी वर्क करेंगे, और हमारा इस तरह की यहाँ पे नीचे हमें मैट मिलता है, सेंटर में हमें पियानो मिलती है भाई। ठीक है, और इस तरह का कुछ हमें हुड कंपार्टमेंट इसका मिलता है बिल्कुल फ्लैट। इस तरह के हमें इसमें मिलेंगे यहाँ पे रियर वाइपर, रियर बोल लो पूरे फ्रंट वाइपर, ब्लैक बीडिंग इस तरह की कुछ रहेगी, की हमें कुछ इस तरह की मिलेगी, बूट ओपन का इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, लॉक अनलॉक और बस सिंपल सी वही नेक्सा वाली की हमें, और इसकी इस तरह की आप देख सकते हैं ये डेल्टा प्लस में भी यही सेम अलॉय व्हील मिलते हैं और जेटा में भी। और अगर मैं अलॉय व्हील के साइज़ की बात करूँ तो इसमें मैं 16 inches के भाई हमें इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं भाई। ठीक है, इस तरह के कुछ ORVM हमें मिलेंगे, साइड से कुछ ये निकलती है इसकी साइड लुक, मुझे गाड़ी की बहुत सही लगती है यार। ये देखो इसकी लेंथ देखो भाई, इसकी 3995 और उसकी हाइट देखो भाई 1550 mm, और उसकी उसकी चौड़ाई मिलती है ना भाई 1765 mm की इसकी चौड़ाई मिलती है, तो उसकी डायमेंशन भी काफ़ी अच्छे खासी हमें मिलती है। क्रोम बीडिंग हमें साइड में मिल जाती है, कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड, और सेंसर पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड हमें 2 सेंसर इसमें मिलते हैं, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल साइड ORVM मिरर, 360 कैमरा इसमें नहीं आता भाई। ए पिलर हमें ब्लैक कलर बॉडी कलर ही मिलेगा, यहाँ पे हमें फिक्स इसके रूफ रिल्स हमें मिलते हैं, जो कि इसके लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं भाई। ठीक है, सही लगती है यार कूपे कूपे डिजाइन वाली। ये इसका सी पिलर फिट एंड फिनिश भी मारुति की बहुत सही रहती है भाई। पीछे हमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, और ये देखो कुछ यूनिक यूनिक से मारुति ने छोटे छोटे काम बहुत कर रखे हैं डिज़ाइनिंग में, क्योंकि अब भाई कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। स्मार्ट हाइब्रिड की बेजिंग, इसमें 21 की एवरेज क्लेम करती है भाई कंपनी। पीछे से कुछ इस तरह की उसकी लुक निकल के आती है कनेक्टेड लाइट के साथ, रियर वाइपर, डिफोगर और हाई माउंटेड लैंप्स, वॉशर, और इसमें हमें ये स्पॉयलर भी हमें मिलता है भाई, सार्फिन एंटीना। सनरूफ मूनरूफ इस गाड़ी में नहीं आती, कनेक्टेड लाइट मिलती है इसकी, क्या सही लगती है भाई रात को ग्लो होते। 4-ईयर पार्किंग सेंसर 2 रिफ्लेक्टर के साथ, नीचे कुछ इस तरह की सिल्वर यहाँ पे, इसका मैं एक बार बूट, और ये देखो आप बैक कैमरा, इसका मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ एक बार खोल के, क्या कुछ ये गाड़ी हमें बूट स्पेस इसका भाई ऑफर करती है। लेट मी ओपन, तो भाई ये मिलते हैं हमें 308 लीटर का, 308 लीटर का बूट स्पेस, हमें हेलोजन लाइट मिलती है बूट लाइट, एंड 60-40 रेशो का हमें स्प्लिट रियर सीट का स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है। रियर जो हमें टायर है वो 15 inches का मिलेगा, वो भी स्टील अलॉय नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्सल ट्रे तो मिल जाएगी, खैर भाई ये टॉप एंड मॉडल है ये नहीं देंगे तो उसमें इसमें कब देंगे, इस तरह की कुछ किट भी हमें मिलती हैं इसमें, तो सही है यार। जिससे ये जो ये गाड़ी लेगा ना, वो उसके डिज़ाइन की वजह से लेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इंजन भी इसमें सेम ही मिलता है 1.2 लीटर का, बस वो बूस्टर जेट वाला अलग आ जाता है। ठीक है ना, तो उसके कूपे के डिज़ाइन के लिए से ही इस गाड़ी को लेंगे, क्योंकि भाई ना एक प्रॉपर SUV है ना प्रॉपर हैचबैक है। ठीक है, 308 लीटर का बूट स्पेस, ठीक है आप डिसेंट सा है, इसमें काफ़ी सामान अपना आप रख सकते हैं भाई, और इस तरह की पार्सल ट्रे हमें इसमें देखने को मिलेगी, तो सही है यार आप काफ़ी इसको कर सकते हैं। इसके कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सही हैं, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील, ग्रे कलर पे, ब्लैक कलर पे काफ़ी सही लगते हैं यार। और इसके अगर मैं डोर हेडलाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार कैसी इसकी बैक लुक निकल के आती है भाई, जो मैं बात कर रहा था ना कनेक्टेड लाइट्स की, ये देखो लगते हैं ना यार कोई प्रीमियम, कोई मर्सिडीज़ जा रही है, कोई की हाई एंड गाड़ी जा रही है, महंगी जा रही है, और ये 12,15,000 रुपये की गाड़ी है भाई। हेडलाइट करते हैं इसकी बंद, और कुछ अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो हमें इसकी 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि डिसेंट है यार, मारुति के पास यही स्टैंडर्ड है।
37, 37, 40, 40, ज़्यादातर फ्यूल टैंक कैपेसिटी यही बॉक्स इतने ही लगाते हैं मारुति अपनी सभी गाड़ियों में। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की तरफ प्रीमियम लगता है क्या कुछ कराते हैं। पहले तो डोर ट्रिम, इस तरह की चॉकलेटी फिनिश में हमें डोल टोन में इसका डोर ट्रिम मिलता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच और क्रोम डोर हैंडल्स, यहाँ पे सिल्वर फिनिश थोड़ा सा, और चारों पावर विंडो पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे सराउंडेड दे रखे हैं। लॉक अनलॉक, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल्स, बहुत सही लगता है यार। बोतल होल्डर डोर तो इसका प्रीमियम बना है ये कुछ। इसकी हाइट एडजस्टमेंट भी है इसमें हमें ड्राइवर सीट में मिल जाते हैं। इसके जेटा वेरिएंट में भी थाई सपोर्ट कुछ डिसेंट सा मिलेगा। मेरी हाइट 5.8 है। अब देखते हैं गाड़ी इंटीरियर से हमें क्या कुछ ऑफर करती है भाई, ठीक है ना। एस्प्रेसो किस में लगा रखे हैं फिलहाल, और शुरुआत करते हैं इसके इंटीरियर से भाई। तो भाई अब आ चुका हूँ मैं गाड़ी के इंटीरियर में। अब कुछ चीज़ें मुझे इसकी पसंद नहीं आई क्योंकि ये बहुत महंगा जाता है वेरिएंट, और कुछ चीज़ें तो इसकी अच्छी हैं ही, ठीक है भाई। अब आप ये देखो, ये इसका जेटा वेरिएंट है। जेटा वेरिएंट में आपको लेदर रैप स्टेयरिंग इसका नहीं मिलता, बल्कि यार जेटा में तो दे देते भाई, इतनी कोच जाती है। क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलता। पैडल शिफ्टर हालांकि इसमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कुछ इन्फोटेनमेंट कंट्रोल, ये स्क्रीन भाई ये थोड़ा सा पियानो कर देते, बड़ी कर देते, लेकिन ये वही अपनी अल्टो में भी शायद यही आती है, ठीक है। तो बाकी तो भाई प्रीमियम तो अंदर से है, बैलिनो से ज़्यादा है, ठीक है भाई। इस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एसी वेंट्स पे पियानो ब्लैक फिनिश का मिल जाता है। एचयूडी इसमें हमें नहीं मिलती, सिंपल सा हमें इसमें ओआरवी मिलता है। यहाँ पे कुछ हेलोजन लाइट, ठीक है भाई। इधर हमें टिकट होल्डर भी यहाँ पे नहीं मिलता। इधर की बात करूँ, एक हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है। स्पेस की बात करूँ तो भाई बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये देखो कितना सा छोटा सा यहाँ पे हमें इसका ये मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूँ स्टेयरिंग की, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ वे एडजस्टमेंट हमें इसमें मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प्स इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स हमारे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेवलर, और भाई कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब कुछ इसकी MID ओपन करके दिखा देता हूँ मैं क्या कुछ इसमें मिलता है आपको। ये देखो कुछ इस तरह की हमें इसकी टच स्क्रीन मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ किलोमीटर रेंज, एवरेज रेंज भी हमें दिखाता है। ये सेटिंग, होम, फेवरेट, भाई स्मूथ तो है वैसे अगर मैं बात करूँ उसमें। अलर्ट नोटिफिकेशन कुछ इस तरह के हमें ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। और कुछ सही है यार, बाकी हमें कुछ इस तरह का सेंटर कंसोल इसमें मिल जाता है, ऑटोमेटिक में रहेगा हमारा हैंड ब्रेक, और इसमें आरवेस में हमें मिल जाता है। आरवेस में थोड़ी सी स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाती है भाई, ठीक है भाई। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, यहाँ पे चॉकलेटी कलर का दे रखा है, सॉफ्ट टच, सही है यार। मतलब बस थोड़ी अब मारुति महंगी बन चुकी है ना, सच बताऊँ तो। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इस तरह कुछ इसका इंटीरियर हमें लगता है, जो कि प्रीमियम फील तो ये गाड़ी देता है, ठीक है। अब इस सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, अब भी थोड़ी आगे है। हाँ ये है मेरा ड्राइविंग पोस्चर भाई देखो, और मेरी हाइट लगभग 5.8 है, ठीक है। ये मेरा ड्राइविंग पोस्चर है। अब मैं आपको उसका रियर में जाके दिखाता हूँ क्या कुछ हमें ये गाड़ी स्पेस ऑफर करती है भाई। तो भाई ये देखो आप, क्या जबरदस्त स्पेस ऑफर करती है भाई, क्या जबरदस्त, देख रहे हो आप स्पेस, एक नंबर का स्पेस ऑफर करती है। पीछे से कुछ इस तरह का इसका यहाँ पे दिखाई देता है, और एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट, बहुत सही बात है। हम काफ़ी अच्छा खासा हमें मिलता है इसमें, छोटा नहीं मिलता। 60-40 रेसों में हमें स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और ये देखो आप, हमें सेंटर बंदे के लिए भी सिक्योर, सेफ्टी का तो ध्यान दे रही है मारुति, सेफ्टी में हमें पीछे से ये भी हमें यहाँ पे मिल जाता है भाई, सेंटर आर्म रेस्ट, ठीक है। तो भाई ये थी एक बात, इसमें स्पीकर हमें मिल जाते हैं,
और बोतल होल्डर हमें मिल जाता है, पीछे का कुछ इस तरह का डोर ट्रिम मिलता है, रीडिंग लाइट हमें इसमें ऑफर करी गई है। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो, वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद जय भारत।